डिस्क्रिप्टर मैंने कहीं अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास वेलकम टू स्टार्ट 10th नाम का देखा बस आपने 9th पिछले सेशन खत्म करवाया था लास्ट टाइम। अब हम अपना 10th का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज अपना 10th का चैप्टर नंबर 1 व्हिच इज चैप्टर नंबर 9 फ्रॉम आवर 10th केमिस्ट्री हम आज को स्टार्ट करेंगे। आज के 10th का लेक्चर नंबर 1 के लिए कवर करेंगे व्हिच इज चैप्टर नंबर 1 उसमें नाम समझ लीजिए। मैंने आपको नाम क्या है वो चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो भाई जो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है वो होता है हमारे पास बैलेंस। यानी चैप्टर नंबर 9 में क्या पढ़ेंगे कि हम केमिस्ट्री की लैब में जो भी केमिकल रिएक्शंस करते हैं वो एक बैलेंस में होते हैं। इन चीजों पर कोई चीज बहुत ज्यादा हो और एक चीज बहुत कम हो। रिएक्शन में हमको भी दो चीजों को मिलाओ तो एक चीज बन जाए। हम ये नहीं करते कि एक चीज एक टेस्ट ट्यूब में है और एक चीज बाल्टी में है तो बैलेंस नहीं होगा। पर जिस तरह हमारे पास एक सीसा में बैलेंस होता है उसी तरह हम केमिस्ट्री की लैब में बैलेंस करते हैं हमारे पास। ठीक हो गया हमारे पास। इसे कहते हैं हम केमिकल इक्विलिब्रियम। जिसमें कोई भी दो चीजें मिलेगी उनके मिलने से एक कोई भी नई चीज बनेगी। दिस इज कॉल्ड एज अ केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आपने एक पानी ग्लास लिया और एक जामिश्री का जूस उसको मिक्स किया। मिक्स करके जामिश्री का ग्लास बना लिया वो हमारे पास क्या हो गया केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल है। अब याद रखना जो भी दो चीजें आपस में मिलती है उसे कहते हैं हम रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मतलब है वो चीजें आपस में रिएक्ट करें उनके मिलने से नई चीज बनेगी उसे कहेंगे हम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की कोई चीज भी मिले मेरी ये प्रोडक्ट है इसको देख लीजिए हम कहते हैं तो इन दो के मिलने से जो नई चीज बनी उसे कहेंगे हम प्रोडक्ट। और समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन के बच्चे हमारे पास दो टाइप्स। एक हमारे पास है रिवर्सिबल रिएक्शन एक हमारे पास है इरिवर्सिबल रिएक्शन। सबसे पहले हम कवर करते हैं इरिवर्सिबल। इन का मतलब क्या होता है बच्चे हमारे पास ना यानी जो चीज ना हो। रिवर्सिबल का रिवर्स होना तो उल्टा होना यानी वो रिएक्शन जो उल्टे ना हो। फॉर एग्जांपल इरिवर्सिबल रिएक्शन एक ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है लेकिन प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट नहीं बनता वो सिर्फ एक ही वे में आगे चलते हैं। यानी 2H2+O2 क्या मिलेगा 2H2O इसको सिंगल एंड शुरू करते हैं और ये रिएक्शन हमेशा कंप्लीट होते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट क्या होता है हमारे पास रिवर्सिबल। रिवर्स का मतलब क्या होता है पीछे जाने की गाड़ी में आगे जाएगी गाड़ी भी पीछे आएगी यानी वो रिएक्शन इसमें रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाएंगे प्रोडक्ट दोबारा फिर रिएक्टेंट बना देंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोबारा फिर रिएक्टेंट बना देंगे इसे कहते हैं हम रिवर्सिबल रिएक्शन। इसको शो करते हैं बच्चे डबल हेडेड रिएक्शन क्योंकि पहले आगे जा रही थी फिर रिपीट पीछे जा रही थी। वो जो ये रिएक्शन होते हैं ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते क्यों कि आगे जा रहे हैं फिर पीछे आगे जा रहे हैं फिर पीछे तो ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होते। दिस इज कॉल्ड एज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है रिवर्सिबल रिएक्शन को हमने फर्दर दो रिएक्शन में डिवाइड किया व्हिच इज फॉरवर्ड रिएक्शन एंड नेक्स्ट इज रिवर्स रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाएंगे वो होगा फॉरवर्ड रिएक्शन लेकिन वो रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट से क्या बनेगा दोबारा रिएक्शन के हम रिवर्स रिएक्शन। ठीक है ये हमारे पास है फॉरवर्ड रिएक्शन ये हमारे पास है रिवर्स रिएक्शन। ठीक हो गया हमारे पास। अब जब याद रखना एक एग्जांपल हम इसके पढ़ेंगे H2 का साइड क्या बना देगा 2H2। हम एक किसी टाइम पर फॉर्म कैसे करते हैं दो एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं उसमें हाइड्रोजन आयन को डालते हैं। हाइड्रोजन का कलर नहीं होता लेकिन जो हाइड्रोजन का कलर होता है वो होता है पर्पल कलर होता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो हमारे पास पिंक कलर का बनता है हाइड्रोजन आयन। ठीक हो गया यहां तक समझ में आ गया आपको। अब हमारा जो पिंक सॉरी हमारा हाइड्रोजन आयन दोनों मिलेंगे हाइड्रोजन का कलर नहीं होता हाइड्रोजन का कलर होता है पर्पल कलर। जब ये दोनों मिलेंगे तो टेस्ट ट्यूब की कलर होगी पर्पल कलर होगी लेकिन जैसे ही दोनों मिलके बनाएंगे हाइड्रोजन हाइड्रेट तो कलर क्या हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रेट का कलर नहीं होता ये भी हमारे पास होता है कलर लेस। लेकिन अगर मैं इसको भी कंडीशन दूं जो मैंने पहले दी थी तो हाइड्रोजन आयन से दोबारा क्या बन जाएगा हाइड्रोजन आयन और जो टेस्ट ट्यूब पहले कलर लेस थी वो क्या हो जाएगा हमारे पास पर्पल कलर आ जाएगा। इसका मतलब है हमारे पास पहले पर्पल से कलरलेस फिर से फिर पर्पल। दिस इज कॉल्ड एज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये आप एक एग्जांपल इस तरह याद कर लेनी है आपकी बुक में है और साथ में आपने डेफिनेशन कर लेनी है। होप सबको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।